हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश्रीज किचन। आज हम लोग मसाला राइस पॉट बनाएंगे। उसके लिए मैंने एक बोल बीन्स लिया है, एक बोल गाजर लिया है, एक बोल मटर लिया है, एक बोल प्याज लिया है जिसे मैंने महीन काट लिया है, और मैंने एक कैप्सिकम लिया है, एक बोल मैंने आलू लिया है, दो चम्मच मैंने लहसुन लिया है, आधा चम्मच अदरक लिया है और दो चम्मच से ज़्यादा हरी मिर्च की पेस्ट ली है। वो आप अपने हिसाब से लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक बड़ी इलायची, दो लौंग, दो दालचीनी, तीन काला मिरी और मैंने थोड़े से तेज पत्ते लिए हैं। मैंने एक बोल चावल लिए हैं बासमती राइस, उसे मैंने धो के लिया है और ये कच्चे चावल ही डालने हैं। सबसे पहले मैंने दो चम्मच तेल लिया है और इसे गैस पे रख दिया है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने तेज पत्ता डाला है और ये जो खड़े मसाले हैं सब वो मैं डाल रही हूँ। सबसे पहले अदरक और लहसुन डाल रही हूँ, बाद में प्याज। और कैप्सिकम डाल रही हूँ। आलू डालूंगी। गाजर डाल दूंगी और बीन्स डाल दूंगी। और ये जो मैंने चावल धो के रखे हैं उसे डाल दूंगी। ये तकरीबन एक ग्लास पानी था, मैं एक ग्लास और डालूंगी। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, वन फोर्थ टीस्पून गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। और इसे अच्छे से मिला लूंगी। थोड़ा सा और पानी डालूंगी और इसे मीडियम गैस पे होने दूंगी। ये जो मसाला राइस है ये फुल मिल है और बहुत ही हेल्दी है। इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक देती हूँ, बाद में ढक्कन निकाल दूंगी। राइस के साथ खाने के लिए मैंने ऐसे ऑनियन की रिंग्स कर ली है और ये सैलेड बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला, आधा चम्मच ऑलिव ऑयल, और बारीक हरे धनिया के पत्ते,
इसे मैं मिक्स कर लूंगी। नींबू का रस डाल रही हूँ आधा चम्मच और इसे मिक्स कर लूंगी। उबाल आने की तैयारी हो चुकी है, मैं ये ढक्कन निकाल लेती हूँ। राइस हमारे हो चुके हैं, मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितना कलरफुल दिख रहा है। चावल भी पक चुके हैं और सारी सब्जियाँ भी पक चुकी है। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म खाने की मज़ा ही कुछ और है। मैंने इसे हरे धनिया के पत्ते से गार्निश कर लिया है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।